नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये KVS TJT का पार्ट फोर है, पार्ट थ्री है ये। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, 20 क्वेश्चंस जीके के होते हैं, 20 कंप्यूटर के, 20 इंग्लिश के, रीजनिंग के, और मतलब आई थिंक 15 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं। तो इसीलिए ये पेपर नेट से तो ईजी होता है, ठीक है, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसीलिए मैं गई थी 2019 दिसंबर, 25 दिसंबर से पहले था मेरा एग्ज़ाम, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो बहुत भीड़ थी, मुंबई में ही था, एंड वहाँ पे पेपर अच्छा था लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत थी। और UGC नेट से इजी होता है ये पेपर, लेकिन UGC नेट में देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हेन XL इज इक्वल टू XC देन क्या होगा। देखिए, आपको पता ही होगा व्हेन XL इज इक्वल टू XC। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सीरीज RLC सर्किट है, RLC, ठीक है। यहाँ पे ये एक सप्लाई वोल्टेज आपने दिया है, ठीक है। यहाँ पे जा रही है करंट, यहाँ पे VR है, यहाँ पे VL है, यहाँ पे VC है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जब VR लगा है तो VR तो फेज में होगा, ठीक है, इट विल बी इन फेज। यहाँ पे क्या होगा, VL जो होगा, VL लीड्स आई। यहाँ पे क्या होगा, ये VC है तो VC लैग्स करंट, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए कि इन अ सीरीज RLC सर्किट व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस। अंडर सच कंडीशंस जो इम्पिडेंस होता है सर्किट का क्या होता है, मिनिमम होता है, इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है तो वैल्यू ऑफ द करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट द रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका, फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ अ PN जंक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय। सी, रिवर्स सेचुरेशन करंट जो होती है आपकी, रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ ए डायोड, of a diode, it increases with an increase in temperature. तो rise is 7% per degree Celsius for both germanium and silicon. Rise is 7% per degree Celsius for both germanium and silicon, and it approximately doubles for every 10 degree rise in temperature. तो इसने बोला है reverse saturation current will be increased by, तो mathematically क्या होता है कि आपका I02 is equal to I01 2 to the power T2 minus T1 by 10 होता है, ठीक है। तो reverse saturation current जो है आपकी यही है, if the reverse saturation current is I1 at a temperature T1 then I02 at temperature T2 will be the reverse saturation current. तो यहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट इज इक्वल टू ए क्यू एन आई स्क्वायर डी पी बाय एल पी एन डी प्लस डी एन बाय एल एन एन ए। तो यहाँ पे जो आई नॉट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन आई स्क्वायर। ऑल्सो जो एन आई स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एन सी एन बी ई टू द पावर माइनस ई जी बाय के टी। तो यानी कि ये फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, दिस इज़ द फॉर्मूला, आई नॉट इज इक्वल टू ए क्यू एन आई स्क्वायर इंटू डी पी बाई एल पी एन डी प्लस डी एन बाई एल एन ए, ठीक है। ओके, ये है आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला, ठीक है। एंड एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी एन वी ई टू द पावर माइनस ई जी बाई के टी, यानी कि एन आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई जी बाई के टी। तो डायोड फॉर विच ई जी बाई के टी विल बी मोर, डायोड फॉर विच ई जी बाई के टी will be more, उसका क्या होगा, it will have less NI and subsequent इसकी less reverse saturation current होगी। जिस diode का EG by KT ज़्यादा होगा उसका less NI होगा, less intrinsic carrier concentration होगा, जिसकी वजह से इसका less reverse saturation current होगा। तो आपका जो right answer होगा कि for every 10 degree rise in temperature the reverse saturation current of a PN junction it will be increased by 2 times, ठीक है। क्योंकि इसे मैंने आपको बताया ना कि राइज इज 7% पर डिग्री होता है, जो कि डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और रिवर्स सैचुरेशन करंट हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूजुअली ऑपरेटेड इन। देखिए,
ये आपका एक्चुअली एक वेरिएबल कैपेसिटर की बात कर रहा है, ये आपका डायोड है और ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैरेक्टर डायोड, दिस इज़ योर वैरेक्टर डायोड। इट रिफर्स टू द वेरिएबल कैपेसिटर डायोड विच मीन्स जो कैपेसिटेंस होता है डायोड का, इट वेरीज लीनियरली, इट वेरीज लीनियरली विद अप्लाइड वोल्टेज व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस्ड। कैपेसिटेंस ऑफ डायोड वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है, जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है ये इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन जंक्शन कैपेसिटेंस। डिवाइस एसोसिएटेड विद वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज अ वेरेक्टर डायोड। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ यूजुअली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड मोड। ये हमेशा रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करता है, बिकॉज द कैपेसिटेंस वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज। आपने पढ़ा होगा ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता है, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होती है। डिप्लीशन विड्थ हमेशा रिवर्स बायस के केस में ही इंक्रीज होती है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन जंक्शन कैपेसिटेंस, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस घटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट ऑफ अ फिगर गिवन बिलो, द क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज सी। ये वोल्टेज गेन जो आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का होता है, इट इज़ गिवन बाय ए वी इक्वल टू वन प्लस आर टू बाय आर वन। ये आपका आर टू है, ये आपका आर वन है, क्योंकि गेन जो होता है इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज़ टर्म्ड एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वेन एवर द गेन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वन, गेन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वन फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इस केस में आर वन टू है, आर टू 30 के है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या होगा, वन प्लस आर टू इज 30 के, आर वन इज 2 के, सो इट इज़ वन प्लस 15 इज इक्वल टू 16, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 16, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और अगर यहाँ पे फीडबैक, ये अगर यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि नेगेटिव इनपुट जो है ग्राउंडेड है और ये केवल पॉजिटिव इनपुट दिया है, इसीलिए ये नॉन इन्वर्टिंग है, दैट्स व्हाई इट इज़ द नॉन इन्वर्टिंग केस। अगर यहाँ पे ये ग्राउंड होता, इफ ये ग्राउंड होता और यहाँ पे हमने इनपुट लगाया होता तो ये इन्वर्टिंग होता। इन्वर्टिंग के केस में जो आउटपुट, जो गेन होता है, ये होता है माइनस आर एफ बाय आर वन, दैट इज़ माइनस आर टू बाय आर वन, ठीक है। सिंस द रेजिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, द वोल्टेज गेन फॉर एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में इज ऑलवेज लेस देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द ट्रू कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोर्स टू लोड एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लोड रेजिस्टेंस इज नेगलिजिबल, नो। लोड रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, नो। सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, येस। सोर्स रेजिस्टेंस इज नेगलिजिबल, नो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है आपकी, इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड इन अ सर्किट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज इक्वल टू द अवेलेबल सोर्स, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फ्रॉम सोर्स टू लोड एज पर एमपीटी, सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज अ क्लोज स्विच इन सैचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर कैन बी एक्टेड एज अ, देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर इन करंट मिरर में ये काम करता है, कैपेसिटर की तरह काम करता है इन लेवल शिफ्टर में। ट्रांजिस्टर कैन बी एक्टेड एज रेजिस्टेंस इन करंट मिरर, कैपेसिटेंस इन लेवल शिफ्टर, क्लोज्ड और ऑन स्विच। क्लोज्ड मतलब ऑन स्विच इन सैचुरेशन रीजन, इन्वर्टर, इन्वर्टर इन, इन्वर्टर इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, सॉरी ये मेरा तो यही खराब हो जाता है, इन्वर्टर इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्लोज्ड में क्या होता है कि दोनों, जो आपका एमीटर बेस होता है और जो आपका कलेक्टर बेस बायसिंग होती है, दोनों फॉरवर्ड होते हैं, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, तो ये क्लोज या ऑन स्विच की तरह काम करता है, इसलिए सैचुरेशन में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू देन वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू, इट इज़ अ सर्किट विच प्रोड्यूसेज इन आउटपुट आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। देखिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यहाँ पे आपने जो भी इनपुट फीड किया यहाँ पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देगा, तो इसका वोल्टेज गेन माइनस आर टू बाय आर वन आएगा। हेयर आर टू इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर, तो वोल्टेज गेन कितना होगा इसका, माइनस आर बाय आर, यानी कि माइनस वन, तो वोल्टेज गेन आपका जो होगा माइनस वन होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफेट इज एन यूनिपोलर डिवाइस।
मैंने आपको बताया भी था जेफिट कैसे है, ये जेफिट है, जैसे ये है आपका, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है, तो ये आपका पी चैनल है, ये आपका क्या है, सोर्स है, ड्रेन है, ये एन चैनल है। तो जेफेट एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है और यहाँ पे जो गेट वोल्टेज होता है इट कंट्रोल्स, याद रहे, गेट वोल्टेज कंट्रोल्स द ड्रेन करंट। जेफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इट हैज़ ओनली डिप्लीशन मोड, ओनली डिप्लीशन मोड में ये ऑपरेट करता है, इट वर्क्स ओनली इन डिप्लीशन मोड, ठीक है। व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स टर्मिनल्स एंड अ पोटेंशियल वीडीडी इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, अगर यहाँ मैंने एक पोटेंशियल वीडीडी लगा दिया है, देन अ करंट आई नॉट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, एक करंट जो होगी आईडी फ्लो करेगी ड्रेन टू सोर्स में एट इट्स मैक्सिमम एज द चैनल विड्थ इज मोर। व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स टर्मिनल इज रिवर्स बायस्ड, अगर वीजीएस आपका रिवर्स बायस्ड है, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डिक्रीज इन डिप्लीशन लेयर विथ, डिप्लीशन विथ में घटाव होगा, द लेयर ग्रोज, लेयर जो होगा लेयर्स ग्रो करेंगी, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल, जो क्रॉस सेक्शन है चैनल का मतलब एरिया जो है चैनल का, ये डिक्रीज करेगा, इसीलिए जो ड्रेन करंट होगी वो भी डिक्रीज करेगी। तो ड्रेन करंट जेफेट में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द चैनल विथ, बाय चेंजिंग द चैनल विथ, बाय वेरिंग और चेंजिंग द चैनल विड्थ, जो आपकी ड्रेन करंट होती है इट इज़ कंट्रोल्ड, राइट राइट। गेट सोर्स पीएन जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, याद रखिए जो गेट सोर्स पीएन जंक्शन होता है ये हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है, बिकॉज इफ इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड देन ऑल द चैनल करंट विल फ्लो टू गेट, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो जितनी भी चैनल करंट होगी इट विल फ्लो टू गेट एंड नॉट टू सोर्स, ये सोर्स में नहीं जाएगी, अल्टीमेटली इट विल डैमेजिंग द जेफेट, ठीक है, इतना आपको पता है। तो जेफेट एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है विच एक्ट्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस इन विच करंट एट टू इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन एंड सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पीएन जंक्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पीएन जंक्शन, द गेट बिटवीन द टू टर्मिनल्स और ड्रेन एंड सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पीएन जंक्शन, ठीक है। जेफेट इज अ फेट इन विच गेट इज क्रिएटेड बाय रिवर्स बायस जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी कोइंसिडेंस गेट और इनइक्वालिटी डिटेक्टर, किसको बोलते हैं, एक्सोर गेट को, कैसे कैसे बोलते हैं बताइए, ये आपको पता है एक्सोर गेट एक एंटी कोइंसिडेंस और इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है, ये आपका टू इनपुट्स हैं ए एंड बी है, वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये इनपुट ए है ये बी इनपुट है, 0001 1011, वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, इनपुट्स इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज लार्ज, कैसे, हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है, ये मटेरियल साइंस कैसा क्वेश्चन है, ये सॉफ्ट के केस में होता है, दैट मींस ये सॉफ्ट वाला है, ये हार्ड वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच का ग्राफ है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दैट कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, जो अपनी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, इनको हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। तो जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का, इट इज़ ऑलवेज ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल, हमेशा लार्ज होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मटीरियल्स दैट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म एंड आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, उनको हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, इसमें जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल में, वो हाई होता है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोएर्सिव फोर्स इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ कोएर्सिव फोर्स चाहिए होता है इन ऑर्डर टू रिमूव रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म,
रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोएर्सिव फोर्स चाहिए होता है। सॉफ्ट के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, इनका एरिया स्मॉल होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एंड रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म जो होता है इट कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल कोएर्सिव फोर्स, मतलब अपोजिट हो जाएगा सॉफ्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एस सी आर एज अ स्विच, द स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई, ये इसका एडवांटेज तो नहीं है। द ऑपरेशन डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक्स, ये ट्रू है। इट गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन एट हाई एफिशिएंसी, ट्रू है। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, ट्रू है। स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, ये गलत है, ये इसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इट कैन हैंडल, जो आपका SCR होता है इट कैन हैंडल लार्ज वोल्टेजेस, लार्ज करेंट्स एंड लार्ज पावर। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टिंग SCR ये स्मॉल होता है, दिस विल रिड्यूस द पावर डिसिपेशन, ये पावर डिसिपेशन को रिड्यूस करता है। इजी टू टर्न ऑन, आप इसको इजी टू टर्न ऑन, इजीली ऑन कर सकते हैं। ऑपरेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोनिक्स, लिखा भी हुआ है इसमें। ट्रिगरिंग सर्किट सिंपल होते हैं, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, इट गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन एट हाई एफिशिएंसी, एंड वी कैन कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द लोड। लेकिन इसमें जो इसका ड्रॉबैक होता है, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं SCRs के, वो ये है कि इट कैन कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होता है। इट कैन कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैन कंट्रोल पावर ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ AC, इट कैन कंट्रोल पावर ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ AC, इट कैन टर्न ऑन एक्सीडेंटली, इट कैन टर्न ऑन एक्सीडेंटली ड्यू टू हाई dV/dt ऑफ सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज की हाई dV/dt रेटिंग की वजह से ये इसको हम एक्सीडेंटली टर्न ऑन हो जाता है। इट कैन टर्न ऑन एक्सीडेंटली, इट इज़ नॉट ईजी टू टर्न ऑफ द कंडक्टिंग SCR, वी हैव टू यूज स्पेशल सर्किट्स, हमें कम्यूटेशन सर्किट्स चाहिए होते हैं। कम्यूटेशन सर्किट्स आर यूज इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ द SCR, कम्यूटेशन सर्किट्स आर यूज टू टर्न ऑफ SCR, it is not easily turn off, and SCR cannot be used at high frequency, SCR cannot be used at high frequencies mein use hi nahi ho sakta, or perform high speed operations. Maximum frequency of operation jo iska hota hai, maximum frequency of operation iska 400 hertz hota hai, and jo gate current hoti hai it cannot be negative. एप्लीकेशन SCRs के होते हैं, जैसे कंट्रोल रेक्टिफायर्स, DC to DC कन्वर्टर्स, चॉपर्स, DC to AC कन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स, एज अ स्टेटिक स्विच, बैटरी चार्ज, एज ए स्पीड कंट्रोल ऑफ DC AC मोटर्स, लैम्प डिमर्स, फैन स्पीड रेगुलेटर्स, AC वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, इन सब में आपका SCR यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल डायोड द आइडियलिटी फैक्टर इज 1, तो अच्छा क्वेश्चन है। आइडियल डायोड क्या होते हैं, इट इज़ अ डायोड दैट इज नाइदर करंट कंट्रोल्ड, दैट इज नाइदर करंट कंट्रोल्ड नॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड, ना ही ये करंट कंट्रोल्ड होता है ना ही वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर होता है। एन आइडियल डायोड इज अ डायोड दैट एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट कंडक्टर, दैट एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट कंडक्टर व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड फॉरवर्ड बायस्ड, एंड लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड रिवर्स बायस्ड। परफेक्ट कंडक्टर जब फॉरवर्ड बायस होता है, एंड परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू I0 ई टू द पावर VD बाई ETA VT माइनस 1, तो ETA आपका आइडियलिटी फैक्टर है एंड इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे जब आप I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये होता है आपका ज़ीरो रिवर्स करंट, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है, जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, जब आप इसको रिवर्स बायस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ओपन स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियल डायोड्स डू नॉट हैव अ थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, इनका कोई भी थ्रेशहोल्ड वोल्टेज नहीं होता है, आइडियल डायोड्स डोंट हैव थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, एंड वंस एनी फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस डायोड इट विल कंडक्ट करंट इंस्टेंटली अक्रॉस इट जंक्शंस, जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज आप लगाओगे उसी वक्त एक करंट को कंडक्ट करेंगे अक्रॉस इट जंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज वेरी सुटेबल फॉर स्विचिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ,
पिन डायोड, गन डायोड, टनल डायोड, जीरो डायोड. पिन डायोड इज वेरी सुटेबल फॉर हाई स्विचिंग, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ, क्योंकि पिन डायोड इन विच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज सैंडविच. पिन डायोड क्या होता है, जिसमें कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इट इज सैंडविच्ड, इसको आप बीच में रखते हो, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन पी एंड एन जंक्शन. ये आपका इन है, आई है. ये जो पिन डायोड है इसमें आई क्या है, इंट्रिंसिक लेयर है, तो इसी को तो आप पी और एन के बीच में रखते हो. डायोड्स कैन बियर अप टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी तक ये डायोड बियर कर सकती है, विच इज़ यूज एज अ स्विच, एज अ फास्ट स्विचिंग डिवाइस. गन डायोड टैकोमीटर्स एंड माइक्रोवेव रिसीवर्स में यूज होते हैं, ये टैकोमीटर्स एंड माइक्रोवेव रिसीवर्स में यूज होते हैं. टनल डायोड आपका हैविली डूब्ड होता है, विद नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है. इसको हम एज एन ऑसिलेटर एंड रेडिएशन यूज करते हैं ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है. एंड जो आपका जिनर डायोड होता है ये हैवली डूब्ड सेमीकंडक्टर डायोड होता है, मतलब इस तरीके से आप देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये आपका हैवली डूब्ड सेमीकंडक्टर होता है विच ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल सर्किट यूजिंग टू इन्वर्टर्स शोन इन फिगर विल एक्ट एज अ, ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज करता है. फॉर बोथ स्टेट 0 1 आवर सिस्टम इज स्टेबल, 1 0 फिर ये 0 इधर गया, अगेन 1, हमारा सिस्टम स्टेबल है. 0 लगाओगे 1 1 फिर 0, मतलब दोनों केस में चाहे 1 लगाओ या 0 लगाओ आपको यहाँ पे सेम इनपुट मिल रहा है, यानी कि सिस्टम स्टेबल है, इसीलिए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बाइनरी नंबर इज सेम एज द ऑक्टल नंबर. देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके आप 3 3 के फैक्टर्स बनाइए, क्योंकि ऑक्टल ही सारा दिया है, फिर ये एंड फिर ये, तो ये कितना हो गया, 0 1 1 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई, ये वैल्यू 3 हो गई, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 2 1 base 8, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आर रिस्पेक्टली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी. किशॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें वो बताता है कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन. ऐसा होता है किशॉफ्स, ये KCL पे बेस्ड है, किशॉफ्स करंट लॉ, एंड सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, KVL. इट मतलब एलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज सर्किट इज 0, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लीनियर सर्किट कैन बी यूज एज एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस. ये आपका थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है ये. क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, विच लीनियर सर्किट कैन बी यूज एज एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस. सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है और यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया, ये सीरीज है, तो कौन सा लीनियर सर्किट इसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट की तरह हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट. थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज टू एन इक्विवेलेंट सर्किट विद अ सिंगल वोल्टेज एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू अ यूनिलैटरल, डायोड इज अ यूनिलैटरल सर्किट एलिमेंट बिकॉज इट कंडक्ट्स करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. मालूम है आपको, पी एन जंक्शन डायोड्स कंडक्ट ओनली वेन द पी रीजन इज कनेक्टेड टू अ हायर वोल्टेज एंड द, ये पी है, ये पी है, ये एन है, वेन इट इज़ कनेक्टेड टू द हायर वोल्टेज एंड एन इज कनेक्टेड टू द लोअर वोल्टेज, तभी वो डायोड कंडक्ट करेगी ना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर मस्ट हैव अ डैश इनपुट वर्सेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स. ट्रांसड्यूसर मस्ट हैव अ लीनियर इनपुट वर्सेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है. जैसे LVDT है, LVDT क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. ये एक इलेक्ट्रो, दिस इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट स्मॉल मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं इसमें. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट स्मॉल मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिलीमीटर्स और फ्रैक्शंस ऑफ ए मिलीमीटर इनटू एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. मतलब ये क्या करता है LVDT की स्मॉल मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट्स को, जो कि मिलीमीटर्स में या फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर के ऑर्डर्स में होते हैं, इनको एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. तो LVDT एक AC वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एन AC वोल्टेज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कोर विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स.
इट प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन. इसमें जो LVDT होता है आपका, ये LVDT के बारे में बता रही हूँ. ये जो LVDT है, एक तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है. दूसरा, हाई डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है. ये हाई डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है एंड इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ यूज़. इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस, जहाँ पे देर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस होता है बिकॉज देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लंजर एंड द सेंसिंग एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज द की सर्किट इन अ सिंगल साइड बैंड जनरेशन बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर. क्यों बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर कैसे होता है? क्योंकि सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जो होता है आपका, ये एक AM मॉड्यूलेशन स्कीम होता है इन विच ओनली अ सिंगल साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल, अदर साइड बैंड इज सप्रेस्ड. अदर साइड बैंड इज सप्रेस्ड. यहाँ पे क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ कैरियर. ये होता है पोजीशन ऑफ कैरियर. यहाँ पे जैसे आपका USB है, यहाँ पे आपका जो है LSB है. अब इसमें जो जनरेशन मेथड है क्या है आपका? जनरेशन मेथड में क्या करते हो आप? बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के थ्रू ही तो करते हो कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर वन है, यहाँ पे ये कैरियर ऑसिलेटर है. मतलब आप, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ कि यहाँ पे आपका जैसे क्या है, 90 डिग्री का फेज शिफ्टर है. ये एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टू है. यहाँ पे ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट है. यहाँ पे ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टू है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये एक कैरियर ऑसिलेटर है और ये ग्राउंड में कनेक्टेड है, ठीक है. और यहाँ पे आपने क्या किया, ये SSB आउटपुट है. तो यहाँ पे समिंग पॉइंट में जा रहा है ना, दोनों तरफ. एक अपर पाथ में बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर वन है, एक लोअर पाथ में बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टू है. यहाँ 90 डिग्री फेज शिफ्ट जा रहा है इधर भी, ठीक है. क्या इक्वेशन होती है? MT cos omega t क्या इक्वेशन होती है? MT cos omega CT प्लस माइनस MHT sin omega CT. यही होती है ना किसकी? SSB की इक्वेशन. तो यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट है, तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर है, तो इसीलिए बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इसमें यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू. अब इस केस में आप देखिए, मान लीजिए ये आपका ए था, ये ए और बी गया, तो ये कौन सा गेट है आपका? नॉर है. तो ये ए प्लस बी का होल बार होगा. यहाँ पे क्या होगा, ये ए जा रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना हम, और इस पॉइंट पे ए जा रहा है, यहाँ पे आपका जा रहा है ए प्लस बी बार. तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस बी बार इसका बार, यही तो होगा. देखिए ना, ये जो है आपका, ये और गेट होता है ए प्लस बी, और ये जो होता है ये आपका नॉर गेट होता है, मींस ए प्लस बी का बार, यही होता है ना. अब यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे ये नॉर गेट है, तो ये ए इनपुट है, तो ये सॉरी ये ए प्लस बी का बार आएगा, ठीक है. तो और यहाँ पे भी क्या है, ये बी है, और यहाँ पे भी प्लस ए प्लस बी का बार इसका बार हो जाएगा. तो ये दोनों इनपुट इसमें जाएंगे ना, इसको ज़रा सॉल्व कीजिए आप. ए प्लस बी इसका बार और इसका बार, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो क्या आएगा, बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए प्लस बार बी. तो यानी कि ये वैल्यू बार ए प्लस इसका बार, तो ये कितना हो जाएगा, बार ए प्लस बार ए प्लस बार बी, यानी कि ए बार प्लस ए प्लस बी बार. तो ये वैल्यू तो मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है ये, आप कैलकुलेट करिए इसका आंसर. ये एक्सनॉर गेट है आंसर एक्स, इसको आप चेक कीजिए, ये आपका होमवर्क है. कॉपी बना के बताइएगा कि यहाँ पे क्या आएगा. देखिए मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे इसमें क्या है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आपका नॉट है, ये नॉट गेट है, ये एंड है, ये और है. यहाँ पे मैं कैसे समझाऊँ, इसमें एक्सनॉर गेट जो भी होता है आपका, इसमें नंबर ऑफ नॉर गेट्स कैसे लगेंगे, एक्सनॉर में चार लगेंगे. ये अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से इधर कितना आया था, ये ए इनपुट था, ये बी इनपुट था, ए प्लस बी बार था. तो यहाँ से ए प्लस बी बार इधर भी जा रहा है, ए प्लस बी बार इधर भी जा रहा है, तो यहाँ पे
बी प्लस बार ए प्लस बी का बार और ए प्लस बार ए प्लस, हाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ए एक्स नॉर बी आएगा, मतलब ए बार बी प्लस ए बी, ये वैल्यू आएगी, ये आपको चेक करना है, दैट मीन्स ए बार बी बार प्लस ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार और करवा देती हूँ, नहीं वैसे मैंने तो सही किया, ये बार ए, ये आप चेक कीजिएगा कैसे हुआ, देखिए मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, ए प्लस बी बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए प्लस बी इक्वल टू सॉरी सॉरी एक मिनट, बार ए प्लस बी इज इक्वल टू बार ए बार बी, तो ये वैल्यू यही होगी ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू आनी, ये मल्टीप्लाई में आएगी, सॉरी ये मल्टीप्लाई में आनी चाहिए, तो यहाँ पे ए डॉट ए बार ज़ीरो होगा तो ये ए बार बी आएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू आएगी ए बार बी, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे जैसे ये था आपका बी प्लस ए प्लस बी इसका बार और फिर इसका बार, अब मान लीजिए ये एक्स इनपुट है तो एक्स प्लस वाई बार इसका बार, तो बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए बार बी, यही होता है ना, तो इसकी वैल्यू बार बी ए प्लस बी का बार, ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू ये हो गई बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए बार बी, तो ये वैल्यू ए बी बार, एंड ये वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट रुकिए, फिर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाती है, देखिए ये भी तो ऐसे ही होगा ना जैसे मैंने करके बताया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो बार ए प्लस बी इक्वल टू बार, ये कुछ गलत हो रहा है, रुके रुके, बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए बार बी होगा ए, हाँ तो कुछ है इसमें, नहीं नहीं ये आप इसको चेक करिए, ये आंसर इसका कुछ ऐसे आएगा, ये आप चेक कीजिए, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे इसको, आप एक बार चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, थैंक यू वेरी मच।